एक नजर डालते हैं क्रिकेट की तरफ, जहां पर इंडिया और इंग्लैंड के विरुद्ध जो T20 सीरीज है, 3 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में बहुत बड़ी जीत इंडिया के लिए, 8 विकेट से जीत प्राप्त की। KL राहुल ने बनाया 101 रन नॉट आउट, और मेरे ख्याल से सेंचुरी, वैसे अक्सर अगर आप ऐसी नॉक खेले, और T20 में सेंचुरीज आम नहीं होती है क्योंकि केवल 20 ओवर है, लेकिन यहाँ पर KL राहुल को सेकेंड प्लेस में आना पड़ा क्योंकि सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस इंडिया का था कुलदीप यादव का। रिस्ट स्पिनर है, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर, 5 विकेट उन्होंने चटकाए 24 रन देकर, और इंग्लैंड की एक तरह से कमर तोड़ दी। पहले 5 ओवर में इंग्लैंड का स्कोर था 50, एक ही विकेट खोया था, और फिर फाइनल स्कोर था 158, जो उस पिच पर, क्योंकि बहुत वार्म समर है इंग्लैंड में, पिचेस बहुत अच्छा खेल रही है और स्पिनर्स को काफ़ी मौका मिल रहा है। तो जिस युजवेंद्र चहल इतने अच्छे फॉर्म में नहीं थे, लेकिन कुलदीप यादव बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में, और ना सिर्फ उन्होंने एयर में बीट किया, एक तो फ्लाइट अगर आप देते हैं आप बैट्समैन को, हवा में बीट कर देते हैं, ऑफ द पिच भी कोई भी बल्लेबाज उनको पढ़ नहीं पाया। और मुझे लग रहा है कि इस परफॉर्मेंस पर कुलदीप यादव की टेस्ट टीम में भी जगह बनती है, शायद प्लेइंग 11 में इमीडिएटली ना बने, लेकिन टेस्ट स्क्वाड जो अब हाल ही में अनाउंस हो जाएगा थोड़े दिनों में, उसमें मुझे लग रहा है कुलदीप यादव एक स्पिनर के हैसियत से आएंगे और कॉम्पिटिशन मिलेगा रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा को। तो पहली मैच बहुत बड़ी जीत, आयरलैंड को तो बहुत आसानी से हराया था, ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड जो है इतनी आसानी से मैच हारेगी नहीं या बहुत कंपेटिटिव होगा, लेकिन वैसा रहा नहीं। और कुछ दाद देनी होगी यहाँ पर, एक आक्रामक अंदाज जो पूरी टीम ने अपनाया था, विराट कोहली गले के दर्द या जो इंजरी थी उसका तो कोई एविडेंस नहीं था, कोई निशाना ही नहीं था। बैटिंग भी अच्छी की उन्होंने, हालांकि नंबर 4 पे आए, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि T20 और ODIs का बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा बदलाव आया है, क्योंकि KL राहुल को अब आप नीचे नहीं डाल सकते। सुरेश रायना इस टीम में इंक्लूडेड थे, बल्लेबाजी का टाइम नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला। तो मनीष पांडे और दिनेश कार्तिक बाहर, तो मुझे लगता है आने दो वाली मैचेस में भी कुछ यही टीम कॉम्बिनेशन रहेगा। एक और मैं प्रशंसा करूँगा, वो है प्लेयर की, जो है उमेश यादव। फर्स्ट चॉइस बॉलर नहीं थे T20 में, लेकिन बहुत ही अच्छी नपीतुली गेंदबाजी की, तेज थे, एक्यूरेट थे, 2 विकेट उन्होंने चटकाए, और भुवनेश्वर कुमार के साथ साथ एक अच्छी, बल्कि भुवनेश्वर कुमार को काफ़ी रन्स खर्चने पड़े। और जसप्रीत बुमराह जो नहीं है और माने जाते हैं एस बॉलर इंडियन टीम के T20 में और ODIs में खास करके, उनकी कमी बिल्कुल नहीं महसूस होने दी उमेश यादव ने। तो बहुत ही इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस, और मुझे लग रहा है कि ये अगर सीरीज जीतती है इंडिया तो मोमेंटम बनेगा ODIs के लिए, और ODI से मोमेंटम बनाना है टेस्ट क्रिकेट के लिए।